नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। सीधा कवरेज रीवा के SAF ग्राउंड से। मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत होने के बाद मोदी जी का उद्बोधन शुरू हुआ। राष्ट्रगान का सावधान होकर मोदी जी ने सम्मान किया, इसके बाद जनता को उद्बोधन किया। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, पंचायत राज मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं भाई गिरिराज जी, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय कैसे भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो व्यवस्था आजादी के भी सैकड़ों वर्ष हजारों वर्षों से पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। पूज्य बापू कहते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। भूगल की उत्पत्ति ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क ग्रेड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। पिछले साल पंचायती राज मंत्रालय ने भारत सरकार ने दोनों हाथ को उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गवर्नर आदरणीय श्रीमान मनोहरभाई पटेल जी, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, राज्य मंत्री आदरणीय कपिल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फक्कन सिंह कुलस्ते जी, भाई प्रहलाद सिंह पटेल जी, साधु निरंजन ज्योति जी, विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बिसाहू जी, महेंद्र जी, रामचावल जी, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विष्णुदत्त जी, सांसद सातिकन जनार्दन जी, गणेश जी, रीति जी, यहाँ के विधायक राजेंद्र जी, मंच पर विधायक विराजमान बाकी सभी विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम।
आप सबका नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और उन्हीं एक एक लोगों का दिल जीत लिया कि गांव के किसानों के लिए आप कितना भीतर से आपके अंदर जो कष्ट है उसको यहाँ मंचन करके कलाकारों ने दिखाया।